गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? अभी इवनिंग हुआ कि नहीं हुआ है? कितना टाइम हुआ है? तो गया 4 बज रहे हैं। और 4:30 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ। एक दीदी हैं, उनका ऑपरेशन हुआ था। तो कब हुआ था मुझे अब ये नहीं पता है, और ये बात मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही पता चली है। मुझे बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी कि उनका ऑपरेशन हुआ या किस प्रॉब्लम का हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। अभी भी ये बात अभी भी नहीं पता है, बस थोड़ा सा ये पता चल गया है कि हाँ, उनकी तबीयत खराब थी, उनका ऑपरेशन हुआ है। तो मैं उनको देखने जा रही हूँ, हालांकि वो शायद अब ठीक भी हो गई होंगी, और लेकिन मुझे अभी कल परसों में ही पता चला है। तो मैं जा रही हूँ उनको देखने। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और सर्दी हो गई है अब, तो मैंने स्वेटर पहन लिया है और निकलती हूँ अब, और आके मिलती हूँ आपसे, और आपके साथ आके फिर कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अभी, और फिर वापस आके वीडियो को फुल देखिएगा, फुल वॉच करिएगा, क्योंकि बहुत जो आज जो टिप्स आज आपको मिलेंगे वो बहुत ही काम के हैं। काम से फ्री होके, खाना पीना वाले काम से फ्री होके, अब मैं बनाऊंगी एक बहुत ही अच्छा, एक टिप्स दूंगी आपको बहुत ही अच्छा। सर्दियां चल रही हैं, तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि बाल धोते हैं ना, तो बाल जो है या तो धूप में बैठ के सुखाओ, और अगर टाइम नहीं है आपको तो गीले बाल जो है ना, आप किसी टॉवल में या किसी में आप लपेट लेती हैं तो वो गीले रहते हैं अंदर, तो जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, और क्योंकि सर्दियां चल रही हैं तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा हम बनाने वाले हैं हेयर बाथ टॉवल। तो ये देखिए, मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है, ये हमारा कपड़ा जो है स्टॉल का है, ये स्टॉल थी जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया था। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए उलझ के किसी में थोड़ा सा ये फट गया था, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो इसका हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर सा हेयर बाथ टॉवल, जो कि आप वूलन का है, तो इसको धोने के बाद बालों में लपेट लीजिए तो सारा पानी जो है बालों का ये सोख लेगा, और आपके बाल जो है ड्राई हो जाएंगे, बहुत हल्के से गीले रहेंगे, और फिर जब आपका काम खत्म हो जाए तब आप धूप में सुखा लीजिए। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि हमें कैसे बनाना है। तो मेरे पास ये स्टॉल पड़ा था, आपके पास जो भी हो, शॉल हो, स्टॉल हो, या फिर इनर वगैरह हो, मेल्स वगैरह की कुछ भी हो, तो ये देखिए ये मैंने लिया है, ये डबल फोल्ड हो रहा है, ये देखिए बीच से फोल्ड हो रहा है ऐसे, और ये लिया है हमने 27 इंच, ये देखिए 28 इंच है, क्योंकि थोड़ा सा दोनों साइड से सिलाई में जाएगा, तो ये 28 इंच लिया है हमने। और हमको एक साइड से यहाँ ऊपर लेना है 10 इंच, और एक साइड यहाँ नीचे से लेना है हमको 3 इंच, 3 इंच, ठीक है। और ये ध्यान रखना है आपको कि ये डबल है, ये देखिए बीच से यहां से फोल्ड हो रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग, तो हमें निशान लगा लेना है पहले, तो हमें ऊपर लेना है 10 इंच, ठीक है। तो इधर से तो हमें सिलाई देनी नहीं है, क्योंकि इधर तो हमको खुला रखना है बालों में लपेटने के लिए, इधर हमको देनी है सिलाई, तो हमें 10 इंच के बाद थोड़ा सा सिलाई के लिए छोड़ना है, और उसके बाद हमें निशान लगा देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है 10.5 इंच पे लगा दिया है, ये हमने 10.5 इंच पे निशान लगा दिया, ठीक है। और इधर हमको लेना है 3 इंच, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे, ये समझ लीजिए पूरा बॉर्डर लेना है हमको, बॉर्डर हमारा नाप हो गया, ठीक है। अब हमको इसको ऐसी कटिंग करनी है, एक ऐसी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा निशान लगा देते हैं, तो हमारा ये क्या है ना, थोड़ा सा कटिंग करने में इजी हो जाएगा, अब हमें जो निशान हमने लगाया हुआ है इस पे हमें कटिंग कर लेनी है। पता है ये टॉवल अगर हम मार्केट से खरीदते हैं तो ये कम से कम हमें 500 रुपए में मिलेगी, और बस हमें थोड़ी सी देर यूज करनी होती है, तो जहां तक हमारे पैसे बचे वहां तक हमें बचाना चाहिए, है ना। तो ये देखिए जैसे हमने निशान लगाया हुआ है, हम वैसे कटिंग इसकी
कर लेंगे। तो इसको हमने ये अलग कर दिया है, काट दिया है, और अब हमें इसको सिलाई लगाना है। तो इस साइड में हमें सिलाई नहीं लगाना है, खुला रखना है। तो वैसे भी इस साइड में जो स्टॉल की जो साइड होती है ना वो है, तो हमें फोल्ड भी बिल्कुल इधर से नहीं करना है। हमें केवल ये तीन साइड से सिलाई लगानी है, यहाँ पे लगानी है और ये लगानी है और बस ये लगानी है। तो चलिए सिलाई भी लगा लेते हैं। तो हमें इसको तीन साइड में सिलाई लगानी है। तो पहले तो हम इसको उल्टा कर लेंगे क्योंकि हमें उल्टे साइड से सिलाई लगानी है, फिर हम उसको सिलने के बाद सीधा करेंगे। तो हमने उल्टा कर लिया है इसको, और हमें जो इसके साइड हैं वो एकदम से फिक्स करनी है। फिक्स करके तब जो है सिलाई लगानी है ना। अंदर बाहर रहेंगी अगर तो अच्छी नहीं लगेंगी देखने में। कोई भी काम जब हम करते हैं ना तो एकदम से उसमें ना थोड़ी सी फिनिशिंग होना चाहिए, तो वो अच्छा लगता है काम। साइड में मिलाते हुए हमें इसकी सिलाई करते जाना है ताकि एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी बाथ हेयर बाथ टॉवल जो है बनके रेडी हो चुकी है। ये देखिए 500-700 में मिलने वाली चीज को हम घर में फ्री में बना सकते हैं, वो भी रिजेक्ट कपड़ों से, ओल्ड कपड़ों से, जो कपड़े हमने रिजेक्ट कर दिए हैं उनसे। ये देखिए, अगर आपको इससे और बड़ी बनाना है तो ये जो लंबाई हमने 27 इंच ली थी, आप 28 ले लीजिए, 29 ले लीजिए, और ये जो हमने ये 10 इंच ली थी यहाँ पे आप 11 ले लीजिए, और ये हमने 3 इंच रखी थी इसको आप 4 कर लीजिए अगर आपको बड़ा बनाना है। वैसे तो पर्याप्त है इतना बड़ा। ये देखिए, पूरी तरह से अब रेडी हो चुका है, और ये देखिए ये बन चुका है। और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे वाला 3 इंच वाला जो हिस्सा था वहां पे इस तरीके से एक ये डोरी टाइप लगाई हुई है, और ये जो 10 इंच वाला हिस्सा था उस पे यहाँ पे एक ये बटन लगाया हुआ है। बटन ऊपर से सीधी तरफ लगा हुआ है, और ये जो डोरी नीचे लगाई हुई है ये अंदर की तरफ से उल्टी तरफ से लगी हुई है। अब इसको यूज कैसे करना है बताती हूँ आपको। तो कैसा लगा हमारा टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन दिया गया है, लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और टिप्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।